नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सिंह डीएनडम एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। डी फॉर ड्राइविंग और एम फॉर मेंटेनेंस। हम सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन का माहौल है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम के अनुसार लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसे में आप सोचेंगे कि मेंटेनेंस कैसा। बिल्कुल सही दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे बताए हुए तरीके ना सिर्फ लॉकडाउन में बल्कि भविष्य में भी, जब भी ऐसा माहौल आएगा कि आपको लंबे समय तक गाड़ियाँ खड़ी रखनी पड़े किसी भी कारणवश, तो आपके काम आएंगे। और ना सिर्फ कार के लिए बल्कि किसी भी गाड़ी के लिए, चाहे वो ट्रक हो या बस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी गाड़ी के लिए मेरे बताए हुए तरीके कारगर सिद्ध होंगे। दोस्तों, जब गाड़ियाँ लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, टायर की साइड वाल में क्रैकनेस आ जाती है, वेपर ब्लेड हार्ड हो जाते हैं, और कभी कभी तो कुछ सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि गाड़ी में चूहे और चींटियाँ तक अंदर पहुँच जाती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी है, सबसे बेसिक चीज़ हर कोई कर सकता है, कि अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से अंदर बाहर से साफ़ करके खड़ी करिएगा। दोस्तों, गाड़ी का केबिन साफ़ होगा, उसमें अंदर खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी तो गाड़ी में चींटियां नहीं जाएंगी, क्योंकि चींटियां खाने पीने की चीज़ की वजह से ही अंदर गाड़ी के केबिन में जाती हैं, इसलिए केबिन साफ़ रखना ज़रूरी है। दोस्तों, टायर और बैटरी की देखभाल के लिए गाड़ी को कम से कम 5-6 दिन में एक बार 8 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट रखना ज़रूरी है, जिससे आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाएगी। और टायर के लिए अगर संभव है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा राउंड मार लीजिए, नहीं तो ये सब नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आगे पीछे करके गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करके खड़ी कीजिए, जिससे आपके टायर थोड़े से रोटेशन में आ जाएंगे और पोजिशन चेंज हो जाएगी, जिससे टायर के क्रैकनेस की समस्या से बचाव हो जाएगा। दोस्तों, देखने में आया कि गाड़ी में चूहा दो ही जगह पर ज़्यादातर लगता है, एक तो एसी के ब्लोअर में, दूसरा इंजन में। तो दोस्तों, एसी को स्टार्ट कीजिए, जैसे ही आप एसी स्टार्ट करेंगे ब्लोअर ऑन होगा तो उसकी आवाज़ से आपको समझ में आ जाएगा। और इंजन के लिए जब भी आप 5 से 6 दिन में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले बोनट और डिग्गी ज़रूर खोल के देखिए, चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इंजन में चेक करने के लिए आप देखिए कोई वायर तो नहीं कटी हुई, या फिर कोई ऑयल कैप, या फिर कूलेंट कैप, या फिर ब्लैक ऑयल कैप, ब्रेक ऑयल कैप, या फिर जो विंड स्क्रीन वाशर टैंक है उसका कैप, इन्हीं जगह पर चूहे काटता है। अगर ऐसा है तो आप चूहों को भगाने के लिए गाड़ी में मोर्टिन रेट किलर रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो दोस्तों गाड़ी को छाया में खड़ी कीजिएगा, किसी शेड में, किसी पेड़ के नीचे, नहीं तो कम से कम ढक के खड़ी कीजिए। गाड़ी को लंबे समय तक जब खड़ा रखना पड़े तो कोशिश कीजिए आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ब्रेक शूज, ब्रेक ड्रम आपस में चिपक जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अच्छा रहेगा कि आप गाड़ी को गियर में खड़ी कीजिए और टायर के आगे पीछे पत्थर लगा दीजिए। तो यही थे कुछ तरीके गाड़ी की देखभाल और रखरखाव के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।